देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के छोटे हेलीकॉप्टर, वाह मस्त है। चलो इस पर हम भी बैठते हैं यार, हम बैठ सकते हैं कि नहीं? सो गाइज आप देख सकते हैं गाइज ये झूला स्टार्ट हो चुका है, जस्ट ये रोटेट करने वाला है वो, है ना, ऐसे ऐसे राउंड करेगा, अब करेगा राउंड, वो स्पीड पकड़ना दो ना, अब राउंड करेगा वो। सो गाइज यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल, हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं दशहरा का मेला देखने के लिए। तो उसके लिए कहाँ जाने वाले हैं और कैसा मेला होने वाला है, आप मेरे वीडियोस में कंटिन्यू बने रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फाइनली मैं अपने फराड़ी से चल चुका हूँ और जस्ट मैं देख सकता हूँ यहाँ पे अभी हम पहुँच चुका हूँ मेला के जस्ट बाहर। सो गाइज फाइनली हम करोलबाग मेला के पास आ चुके हैं, तो जस्ट मार्केट मेला के अंदर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। तो फाइनली यहाँ से एंट्री नहीं है और आगे से एंट्री है, तो आगे चल रहा हूँ वहाँ पर और आपको दिखलाते हैं मेला कैसा होने वाला है। सो लाल किला का मेला तो आपने बहुत बार देखा होगा, बट करोलबाग का मेला आप नहीं देखे होंगे अभी तक, तो जल्द से जल्द आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मेला लग चुका है। सो चलिए मेला में चलते हैं। तो आपको रोडों पे बहुत सारे प्ले कार्ड बच्चों के लिए देखने को मिल जाएगा, सो आप यहाँ पे आके अच्छे खासे प्राइस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मेला के अंदर चलते हैं, फाइनली ये रहा द्वार, तो यहाँ से एंट्री करते हैं और देखते हैं मेला में कैसा होने वाला है ये मेला। सो गाइस फाइनली मैं मेला के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, देख सकते हैं। ओह माय गॉड यार ये खाली खाली दिख रहा है बिल्कुल मेला है। तो सो गाइस मैं आपको बता देना ये भी अच्छे हैं, बट अभी मेला में देख सकते हैं भीड़ काफ़ी कम है यहाँ पे। लाल किला के कंपेरिजन करते हैं, लाल किला के पास जो मेला लगते हैं हमेशा हर साल भी लगते हैं, उसके कंपेरिजन करोगे आप यहाँ पर ना, तो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बिल्कुल खाली ही खाली देखने को मिल रहा है। तो आज सैटरडे है, तो इसको जैसे शायद आपको यहाँ पे मेला में काफ़ी कम लोग देखने को मिल रहा होगा। जस्ट ये मेला भी स्टार्ट हुआ है, तो मैं चल रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको। हमारे रामायण का कथा की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पे बनाया गया है स्पेस, तो उधर भी चलेंगे। पहले देखता हूँ मेला में और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ओम जी ओम कटर्स का, यानी कि आप जो भी चाहे एक्सपेंसिव डिश खाना पसंद करते हो, वो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जस्ट ये एंटिक पीस की आइसक्रीम, सो गाइस यहाँ पे आदिवासी हेयर ऑयल। सर ये आपको 1500 में मिलेगा सर, बना रहे तो डिस्काउंट बना के देगा। वहीं आके मशीन में आके लेगा, टी शर्ट प्रिंट अप कर सकते हो, करा सकते हो यहाँ पे लस्सी आइसक्रीम जो भी खाना। तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं आदिवासी हेयर ऑयल का कंबाइन यहाँ पे देखने को मिला था, बट आप अगर आते हो ना या लेना चाहते हो तो इनके शॉप से ही ले सकते हो, या इनका जो नंबर वहाँ से ले सकते हो, आप किसी भी मेला में नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये मेला 4-5 दिनों के लिए होता है और आपके वहाँ पर झूठे वादे किए जाएंगे, उसके बाद आपको कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये देखने के बाद मुझे एक चीज़ याद आता है यार, कि जिस टाइम छोटा था उस टाइम पैसे नहीं थे, आज पैसे हैं तो मैं छोटा नहीं जा नहीं सकता उस पर। देख सकते हैं यहाँ बच्चों के छोटे हेलीकॉप्टर, वाह मस्त है। तो चलो इस पर हम भी बैठते हैं यार, हम बैठ सकते हैं कि नहीं? सो गाइस आप भीड़ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो तो देसी भुट्टा यहाँ पे कितना गजब मिल रहा है। अच्छा अमेरिकन भुट्टा, ये अमेरिकन भुट्टा स्वीट कॉर्नर, स्वाद तो ऐसा। चलो इसे भी टेस्ट करेंगे, बट अभी देखता हूँ मेला में क्या क्या होने वाला है। जो ऐसे तरह अमेरिकन भुट्टे को तैयार किया जाता है, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा। अरे मेला में लगने के बाद कैसा लगा? बकवास है। क्यों बकवास है? मेला में दम नहीं। इसे तो कहाँ के मेला में दम होता है? लाल किला के पास। तो गाइज लाल किला के पास है ना मेला, जो लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग और इससे काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पे काफ़ी छोटा है। गाइज हमारे रिक्शा वाला हमें ना मुझे फंसा दिया, क्योंकि मुझे जाना था मुझे लाल किला। देख सकते हैं गाइज ये झूला स्टार्ट हो चुका है, जस्ट ये रोटेट करने वाला है वो, है ना, ऐसे ऐसे राउंड करेगा, अब करेगा राउंड, वो स्पीड पकड़ना दो ना, अब राउंड करेगा वो। देख सकते हैं यहाँ पे राउंड राउंड ये होना स्टार्ट हो चुका है। ये भी झूला काफ़ी एक्सपेंसिव एंड बेस्ट है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बच्चों लोग के हालत ख़राब हो चुके हैं झूले पे, तो ये काफ़ी खतरनाक है। देख सकते हैं काफ़ी खतरनाक है, ये रोटेट काफ़ी तेज़ कर रहा है, तो आप देख लो अपने हिसाब से अभी क्या हाल है, आप वीडियोस के माध्यम से देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं क्या क्या होने वाला। छोटे छोटे बच्चों के लिए टॉय कार मस्त है, और खाने के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिल रही है मेला में, बट मेला में बिल्कुल दम नहीं है। सेम ही है दोनों तो सेम ही है, ये बड़ा है। सो गाइस यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मेला में झूला कौन सा है, जो बड़ा होगा उसी पे चलेंगे, बड़े वाले झूला पे, क्योंकि हम लोग खतरों के खिलाड़ी है ना,
तो खतरों के खिलाड़ी में ज़्यादा हम लोग डिफरेंट लेते हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये डेंगी वाला झूला आपने गांव में देखा होगा ना, काफ़ी छोटा देखा होगा ये, बट ये बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं हमने डेंगी वाले का 5 टिकट ले चुका हूँ, नेक्स्ट ये डेंगी वाला है। गाइस डेंगी वाले पे चलने के लिए हम लोग वेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो इस पर देख सकते हैं अभी जितने भी देख रहे हैं ना बंदे, अभी सब टाइट है, सारे के हवा निकलने वाले बहुत देने के बाद। किधर जा रहे हैं? सो गाइस अभी जितनी बाबा की बढ़िया हाजिर रही ना, कुछ देर के बाद सारे रोने वाले हैं। सो गाइज आपने बहुत सारा इस तरह का झूला देखी हुई है, बट ये जंपिंग वाला देखा था यहाँ पे, और ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल मस्त है, काश हम भी छोटे बच्चे रहते यार, जाओ इसमें। गाइस मैंने मेला काफ़ी ज़्यादा घुमा, आप भी तो देखने को मिल नहीं रहा है, तो ऑलमोस्ट चलते हैं अगले वीडियोस में लाल किला के पास, और लाल किला के पास सारा जगहों का एक्सप्लोर कराने वाले हैं, भूत बंगला का स्पेशल कराने वाले हैं। तो मेरे चैनल का सबसे बिगेस्ट वायरल वीडियोस है भूत बंगला, तो भूत बंगला का वीडियोस बनता है बनाना, तो ऑलमोस्ट यहाँ का भूत बंगला काफ़ी छोटा था इसलिए मैं इसमें नहीं गया हूँ, तो मैं तो वहाँ का वीडियो देखा।